तो वहाँ पर इस टाइम पे डेवलपमेंट का ये चीज़ चल रही है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है वो उसकी डेवलपमेंट आप ड्रोन फुटेज से भी देख सकते हैं, आप साइट के ऊपर विजिट करके भी देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें, पिंक रिबन हॉस्पिटल है, हार्ले हॉस्पिटल्स है, ये वहाँ पर आ रहे हैं चुके हैं। अच्छा, पोजीशन तो कंपनी ने अनाउंस किया है ओवरसीज ईस्ट का, लेकिन ये हैंड ओवर प्लॉट्स कितने टाइम में किए जाएंगे? कुछ तो कंस्ट्रक्शन हमने देखी है वहाँ पे, लेकिन कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी पोजीशन अनाउंस ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो प्लॉट हैंड ओवर नहीं किया गया फॉर डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ प्रॉमिस की गई थी कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NML, NDU, ये यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ चुकी हैं। मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि हम लोग साइट पे मोस्टली वीक में 2 या 3 बार विजिट करते ही हैं, जब तक बेसिक नेसेसिटीज साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगी, मेरे ख्याल से कंपनी पोजेशन दे तो रही है, लेकिन वहाँ पर लिविंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी भी 1.5 साल 1.5 साल लग जाएगा कि वहाँ पर प्रॉपर लिविंग आए। हालांकि लेक व्यू हाइट्स के अंदर वहाँ पर काफ़ी बिजनेसेस को उन्होंने इन्वाइट किया है, जिनके अंदर कुछ टॉप शॉप्स हैं, कुछ बेकरीज हैं, कुछ बैंक्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान रियाज फ्रॉम RBS। 2018 से 2023 तक कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो टारगेट्स थे और उनकी अचीवमेंट्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफाक, और आज हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2018 से 2023 तक इसकी डेवलपमेंट और कौन सी चीज़ें आज तक डिलीवर की हैं। अच्छा अफाक, डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें 2018 से लेकर 2023 तक, जो कि हमारे कस्टमर सुनना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप क्या मतलब देंगे कि कौन से ब्लॉक में अच्छी डेवलपमेंट है और कितना टाइम टेकन है पोजेशन? देखिए उस्मान, 2018 अगस्त में साइट के ऊपर पहली मशीनरी लैंड हुई थी, अगर आपको याद हो उस इवेंट में हम लोग गए थे, और 2018 अगस्त से लेके अभी तक अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देखें, तो जितने हमारे पुराने क्लाइंट्स थे जिन्होंने आके हमसे बाइंग की थी, जिस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे हम लोग चक्री रोड पे गाड़ी पार्क करके आके 4x4 पे एंटर होते थे साइट के अंदर, वो अब खुद से इतने सेटिस्फाइड है कि हम आपको बता नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी अभी तक, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट फास्ट पेस के ऊपर चल रही है। इन 4.5 सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत जो है वहाँ पर एडवांटेजेस भी कैपिटल स्मार्ट सिटी को मिले, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो लैंड की हैंडलिंग है, और उसके अलावा NOCs है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता था जब 2018 में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी को कभी इंटरचेंज मोटरवे से मिलेगा, और क्या कभी हम यहाँ से इंटर हो सकेंगे? उस्मान, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे ख्याल से अभी तक लोग पूछते रहे हमसे लास्ट 6 मंथ्स तक, लेकिन जैसे ही कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो मोटरवे के ऊपर से टेम्प्रेरी एक्सेस मिला है, बेसिकली वो टेम्प्रेरी एक्सेस इसलिए एफ डब्ल्यू ओ से लिया गया है ताकि जितने भी क्लाइंट्स हमारे जो दूर दराज इलाकों से आते हैं साइट विजिट करने के लिए, वो डायरेक्टली अपनी साइट के ऊपर मोटरवे से इंटर हो, पूरी साइट विजिट करें और मोटरवे से वापस वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। अच्छा फक, सबसे पहले जो हमने ब्लॉक सेल करना स्टार्ट किया था वो जर्नल ब्लॉक था, जिसको अब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का नाम दे दिया गया है, उसकी डेवलपमेंट की क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स का ये शिकवा है हमें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हवाले से। उस्मान, अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई है मेरी, जिसके अंदर मैंने एग्जीक्यूटिव की टोटल लैंड के बारे में बताया है। असल में एग्जीक्यूटिव जो डिस्ट्रिक्ट 1 है वो बी ब्लॉक में सिर्फ 7-8 स्ट्रीट्स बनी हुई हैं अभी तक। अब वहाँ पर प्रॉपर काम स्टार्ट हुआ है, पीछे एक इवेंट भी हुआ था दिसंबर में अगर आपको याद हो, जिसके ऊपर जो आपकी लैंड है एग्जीक्यूटिव की वो हैंड ओवर हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी को। उस लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस थी, वहाँ पर काफ़ी इशूज़ थे लैंड के, लेकिन कंपनी ने अपनी देखिए ये नेक नियति है, बेसिकली हम इसको इस तरह, ये डिले लाजमी हुआ है, इसके डिले होने के पीछे रीज़न यही थी कि ये इंटेंशनली नहीं था, ये बेसिकली जो वहाँ पे मसलिप साइंस ज़मीन के चल रहे थे उस वजह से ज़मीन कैपिटल स्मार्ट सिटी को मिली नहीं और वहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं। अगर हम बात करें, इसी को कंपेयर कर लेते हैं फिर ओवरसीज ईस्ट के साथ, ओवरसीज ईस्ट सिस्टम पे 80% पोजेशनेबल है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लैंड हमें मिल चुकी थी, वहाँ पर डेवलपमेंट तेज़ हुई और अभी वहाँ पर माशाल्लाह हम लोग पोजेशन अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, पोजेशन तो कंपनी ने अनाउंस किया है ओवरसीज ईस्ट का, लेकिन ये हैंड ओवर प्लॉट्स कितने टाइम में किए जाएंगे? कुछ तो कंस्ट्रक्शन हमने देखी है वहाँ पे, लेकिन कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी पोजेशन अनाउंस ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो प्लॉट हैंड ओवर नहीं किया गया फॉर डेवलपमेंट। यार अभी उस्मान, अराउंड 90 हाउसेज जो है वो एंड यूजर्स के बन रहे हैं, इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी जो अपने विलाज बना रही है वो साइट के ऊपर है, ओवरसीज ईस्ट के अंदर आप जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि हम लोग साइट पे मोस्टली वीक में 2 या 3 बार विजिट करते ही हैं, जब तक बेसिक नेसेसिटीज साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगी, मेरे ख्याल से कंपनी पोजेशन दे तो रही है, लेकिन वहाँ पर लिविंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी भी 1.5 साल 1.5 साल लग जाएगा कि वहाँ पर प्रॉपर लिविंग आए। हालांकि लेक व्यू हाइट्स के अंदर वहाँ पर काफ़ी बिजनेसेस को उन्होंने इन्वाइट किया है, जिनके अंदर कुछ टॉप शॉप्स हैं, कुछ बेकरीज हैं, कुछ बैंक्स आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वहाँ पर लाइफ स्टार्ट करने का, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ हो भी सकती है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है, आपको याद होगा, वो वहाँ पर बकायदा अब आ चुकी है साइट के ऊपर, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है
ठीक है, वो सारे ब्लॉक के अंदर रेडी है जो आपका इंटरनेट एक्सेस है बेसिकली। इसके अलावा रोड्स कंप्लीट हैं, डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी फास्ट हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर घर बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी वहाँ पे प्रॉपर लिविंग लेके आने के लिए हमें एटलीस्ट साल, डेढ़ साल या दो साल भी लग सकते हैं। अच्छा पाक, देखें लिविंग के लिए ना बाकी तो बेसिक नीड्स आपने बता दी हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स एंड स्कूल कॉलेजेस मेन थिंग, ठीक है, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? मतलब क्या वहाँ पे कोई स्कूल या सभी प्रॉपर एक्टिव हो चुके हैं, या फिर वहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स या कोई भी डिस्पेंसरीज वगैरह वहाँ पे प्रॉपर एक्टिव हैं इस टाइम पे? क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ये चीज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं कल के दिन, वो वहाँ पे एज ए रेजिडेंस वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी बेसिक नीड्स तो ये चीज़ें जी। देखिए उस्मान, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, लीनियर पार्क जो हमारा वसीज ईस्ट में है उसके बिल्कुल साथ एक मेडिकल फैसिलिटी बन रही है, वो आई थिंक सो 50 बेड्स की फैसिलिटी है। उसके अलावा आपका एक शॉपिंग सेंटर उसी के आगे उसी लाइन में बन रहा है जो आपका एक्सेस R1 रोड है, जो सॉरी R1 रोड के ऊपर ये दो फैसिलिटीज़ बहुत जल्द कंप्लीट हो चुकी, जिसकी चार पाँच स्टोरीज माशाल्लाह बन चुकी हैं। इसके अलावा जो स्कूल है वो बी ब्लॉक में आप देख के आ चुके हैं, वो पूरा रेडी है इंशाल्लाह, वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस जो है मैनेजमेंट भी ट्राई करी कि उसे जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। और ये एक अच्छा स्टेप होगा क्योंकि जो आस पास के लोग हैं, जो गांव हैं वहाँ पर जो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं, वो उन स्कूल्स में उनको इजी एक्सेस मिलेगा, इजी एडमिशन इंशाल्लाह मिलेंगे, जिसके अंदर वो आके उन स्कूल्स के अंदर पढ़ सकेंगे, जो कि एक ड्रीम होता है हर जो वालदैन है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूरा होता नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि दो कॉलेजेस मेन, जब आप इंटर होते हैं साइट के ऊपर चक्री रोड से, तो उसे बेसिकली एक्सेस टू का नाम दिया गया है। उस एक्सेस टू के ऊपर दो स्कूल हैं, स्टेम कॉलेज फॉर बॉयज़, स्टेम कॉलेज फॉर गर्ल्स। उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो आज से 4-5 महीना पहले हुई थी, जाहिद रफीक साहब ने खुद आके उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। और वहाँ पर अगर अभी भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है और फास्ट पेस के ऊपर हो रही है। इसके अलावा अभी भी एक स्कूल उसी रोड के ऊपर ऑपरेशनल है, जहाँ पर जो साथ हमारे पास काफ़ी आबादी आपको पता है आसपास है कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वहाँ से वो बच्चे आके तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अभी छोटे लेवल पे है। लेकिन ऑब्वियसली आने वाले टाइम में जो हमारा बी ब्लॉक का स्कूल है वो काफ़ी बड़ा स्कूल है, आपने देखा हुआ है। इसके अलावा कॉलेजेस जब बन जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी में अप टू द मार्क होंगी। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2018 से 2023 तक जितने भी प्रोमिसेस किए हैं वो, या जितने भी इनके टारगेट्स थे उनमें से अप्रोक्स अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो तो 50-60% अपनी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पर रेडी टू पोजेशन है। वहाँ पर मतलब लिविंग के लिए भी आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर आप बात करें तो वहाँ पर एक प्रॉपर आप वहाँ पर अपनी लिविंग कर सकते हैं। और अब अगर हम जस्ट अगर हम डेवलपमेंट पे जाएं, डेफिनेटली ये तो पोजेशन वाले लोगों की बातें थी, अब अगर हम डेवलपमेंट पे जाएं तो एग्जीक्यूटिव की तो हमारी डिस्कशन हुई है कि वहाँ पे तो इतनी डेवलपमेंट नहीं है, ओवरसीज प्राइम वन उसकी डेवलपमेंट की वैसे क्या पोजीशन है, और इसके अलावा जो वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो कमर्शियल हमने सेल किए थे 4 मरला 8 मरला या जो भी, उनकी क्या पोजीशन है वहाँ पर? देखिए उस्मान, सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात है तो मैं जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स आपको बताता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की। इस अरसे में सबसे पहली अचीवमेंट है, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो हमारा प्रॉमिस था इंटरचेंज का वो डिलीवर होता नज़र आ रहा है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ प्रॉमिस की गई थी कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NML, NDU, ये यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ चुकी हैं। आगा खान हॉस्पिटल के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, आई डोंट नो कि अभी उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है, लेकिन होपफुली वो भी बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा। गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर इन्होंने अगर आप मास्टर प्लान भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का देखेंगे तो बाकायदा मेंशन है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंशाल्लाह ताला, वो भी अगर आ जाता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, पिंक रिबन हॉस्पिटल है, हार्ले हॉस्पिटल्स हैं, ये वहाँ पर आ रहे हैं। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी पूरा ये चीज़ें मेक श्योर कर रही है कि यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास लिविंग इन्वायरमेंट हो। जहाँ तक आप बात करें डेवलपमेंट्स की, तो ओवरसीज ईस्ट 80% इस टाइम पर पोजेशन के लिए रेडी है। हम ओवरसीज प्राइम वन की बात करते हैं, वो इस टाइम पे 90% पोजेशन के लिए रेडी है। अगर हम एग्जेक्टिव वन की बात करते हैं तो एग्जेक्टिव वन आने वाले 1 से 1.5 साल में इंशाल्लाह वो भी हम 60-70% पोजेशन के काबिल कर देंगे। जहाँ तक बात है आपकी ओवरसीज सेंट्रल की, ओवरसीज सेंट्रल के अंदर इस टाइम पे अभी रिसेंटली हम एक इवेंट अटेंड करके आए हैं, और मैं ये बात नहीं करता, हमारे बहुत से क्लाइंट्स भी गए होंगे वहाँ पे साइट पे उस दिन। तो जो ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट है, आई थिंक सो वो ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज प्राइम उन सबसे ज़्यादा स्पीडी है, ये मैंने खुद विटनेस की है। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो चैलेंजेस ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज प्राइम वन में, ठीक है, इसके अलावा जो आपका एग्जेक्टिव है यहाँ पर हम फेस कर रहे थे, शायद
मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अब एक्सपीरियंस ले चुकी है इस लैंड का, कि उसने वहाँ पर अवश्य सेंट्रल के अंदर बहुत तेज़ी से काम किए, और उस तेज़ी से काम करने की जो मतलब वहाँ पे एक आउटपुट है वो ये है कि बाकायदा वहाँ पे रोड्स बन चुके थे जब हम इवेंट अटेंड करके हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल एक कंपैरिजन करते हैं उस्मान, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो मेरे ख्याल से लास्ट 2 ईयर्स में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत स्पीडी डेवलपमेंट की है, जिसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है, और माशाल्लाह सबसे स्पीडी डेवलपमेंट का वर्क भी इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे चल रहा है। कमर्शियल्स की आपने बात की, कमर्शियल्स हमारे पास अवर्सीज प्राइम में पोजेशनेबल अवेलेबल है, अवर्सीज ईस्ट में पोजेशनेबल अवेलेबल है, हमारे पास हाबनी इसमें एग्जीक्यूटिव में कमर्शियल्स हैं वो अवेलेबल है, इसके अलावा लेक व्यू कमर्शियल्स वो पोजेशन के लिए रेडी है, तो एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास बहुत कुछ है वहाँ पर। अच्छा, अभी जो आपने बात की है लेक व्यू कमर्शियल की, ठीक है, जिसमें 4 मरला या 8 मरला ने कंपनी ने लॉन्च किए थे, और तब तो लोग कहते थे कि काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो कौन सा है, मतलब क्यों 1 करोड़ 12 फर्स्ट रेट था, इसका 3 करोड़ 25 रेट है, क्या चीज़ इसमें ऐसी है कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 4 मरला तो मोस्टली ख़त्म भी हो चुके हैं, और 8 मरला में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें, इसकी अप्रोच कैसी है? देखिए उस्मान, अप्रोच वाइज ये बिल्कुल एक सेंटर बनता है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। रीज़न अगर आप ओवरसीज प्राइम सेंटर होंगे, आप एग्जीक्यूटिव 1 को क्रॉस करेंगे, एग्जीक्यूटिव 1 के बिल्कुल साथ लेक व्यू कमर्शियल्स की साइट है, इससे आगे अवर्सी सेंट्रल का जी ब्लॉक आ जाता है, जी ब्लॉक जहाँ पे ख़त्म होता है साथ ही आपका 400 फुट का बुलेवार्ड आ जाता है, आप वहाँ से राइट लेंगे, आगे जाके आप लेफ्ट लेंगे, गेट प्रीसेंट के ऊपर आप इंटरचेंज की लोकेशन पे चले जाएंगे। अच्छा एक हमारा प्रॉमिस ये भी था गोल्फ कोर्स वाला जो कंसेप्ट था, तो उस पर डेवलपमेंट की क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि ओवरसीज तो वो सुनना चाह रहे हैं उस चीज़। नहीं, गोल्फ कोर्स की डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है जी, और मैं आपको बताऊं कि गोल्फ कोर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट लेके आ रही थी ये विलास का भी आपको याद हो, तो आने वाले टाइम में होपफुली मैनेजमेंट वो विलास भी लॉन्च करेगी, उसकी प्राइसेस वगैरह अभी मुझे आइडिया नहीं है और साइजेस भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया था कि शायद ये 12 मरला 15 मरला कनाल और 2 कनाल के विलाज होंगे, लेकिन लेट्स सी मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो वहाँ पर इस टाइम पे डेवलपमेंट पे ये चीज़ चल रही है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है वो उसकी डेवलपमेंट आप ड्रोन फुटेजेस से भी देख सकते हैं, आप साइट के ऊपर विजिट करके भी देख सकते हैं। अच्छा मीन के अभी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव कैपिटल स्मार्ट सिटी में हो चुकी हैं। देखिए पॉजिटिव डेफिनेटली है, उसकी रीज़न ये है कि जितने लोग देखिए हमारे मुझे और आपको जो मोस्टली क्वेश्चंस फेस करने पड़ते थे, चाहे वो व्हाट्सएप पे थे, चाहे वो कॉल्स थी, चाहे वो SMS थे, अब जो भी मोड था उनका, उसके अंदर क्या होता था कि लोग कहते थे यार कि स्मार्ट सिटी ने जी हमसे वादा किया था इंटरचेंज है, इंटरचेंज नहीं बना अभी तक, ठीक है, हमसे वादा किया था जी यहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास सोसाइटी बना देंगे, वो नहीं बन रही, जहाँ जाओ वहाँ पे सिर्फ आपको कच्चा रास्ता ही मिलता है और कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर 1 साल बाद साइट विज़िट करते हैं, ठीक है, और हर 1 साल साइट विज़िट करने के बाद जब वो वहाँ पर जाते हैं तो बिलीव मी कि वो बहुत सेटिस्फाई होकर वापस जाते हैं। अच्छा मेन थिंग ना किसी भी सोसाइटी की रोड्स नेटवर्क होते हैं, ठीक है, बहुत सोसाइटीज़ में इशू था, एक ब्लॉक फॉर एग्जांपल उसकी मेन एड्रेस पे था और जो जिसका बाकी ब्लॉक थे वो काफ़ी पीछे थे, स्मार्ट सिटी ने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया है और कैसे वो आपस में कनेक्टेड किए, क्या ये सोसाइटी के सब ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी में जो बंदा इंटरचेंज से इंटर होगा जो फर्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा फॉर एग्जांपल सेंट्रल में आ जाता है या ईस्ट में आ जाता है वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाएगा एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज प्राइम 1 या एग्जीक्यूटिव की हम बात कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर ब्लॉक की एक अपनी खासियत है, हर ब्लॉक की अपनी लोकेशन है और उसकी अपनी वर्थ है। मेरे ख्याल से अराउंड 30-32 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, ठीक है, अब मे भी एक्सटेंड हो जाए, उसकी रीज़न ये है कि अभी हम लोग 150,000 कनाल्स प्लस जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली रोड नेटवर्क्स जो हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। कनेक्शन की अगर बात करें तो मेन बुलेवार्ड से आप ओवरसीज ईस्ट पे भी जा सकेंगे, आप सेंट्रल में भी जा सकेंगे, आप हाबनी पार्क में भी जा सकेंगे, आप सिलिकॉन वैली में भी जा सकेंगे, आप ओवरसीज प्राइम में भी जा सकेंगे, एग्जीक्यूटिव 1 में भी जा सकेंगे, ओवरसीज प्राइम 2 में भी जा सकेंगे, ओवरसीज वेस्ट अगर लॉन्च हुआ तो उसमें भी जा सकेंगे। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल से हमारे सब क्लाइंट्स या जो भी लोग बाइंग करना चाहते हैं उनको ये चीज़ बखूबी इल्म होगा, क्योंकि वो माशाल्लाह भी ये जो हमारा एक्सेस है इंटरनेट या हमारी वेबसाइट्स हैं rvsland.com हो गई या कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोग काफ़ी विजिट करते हैं, प्रोजेक्ट को खुद से ऑलरेडी स्टडी कर लेते हैं कि इसका मास्टर प्लान क्या है, ठीक है, तो ये एक बड़ी प्लस पॉइंट हमारे लिए होते हैं, हमें उन्हें गाइड करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और वो समझ भी जाते हैं चीज़ों को। तो हर ब्लॉग हर आपके ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्योंकि ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उस्मान, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हाँ जितना अच्छा नेटवर्क रोड नेटवर्क होगा एक्सेसिबिलिटी बेसिकली जितनी अच्छी आपकी ब्लॉग की होगी उतना बेहतर होगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चन है मतलब आपका, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और द सेकंड थिंग हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका, वो किसी भी ब्लॉक के हवाले से है, वो पोजेशन के हवाले से है, वो आपकी फाइल्स कैंसिलेशन के हवाले से है, सरचार्ज के हवाले से है, या कि फिर आपके FBR टैक्सेस के हवाले से है, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rbslender.com। हमें दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू।